हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, आज दिन है शनिवार और काफ़ी बारिश पड़ रही है यहाँ पे दो दिनों से। तो ये देख के कैसा मौसम हो रहा है, पूरी गली में पानी पानी हो रहा है और बहुत ही बुरा हाल। और बारिश से ठंड भी काफ़ी बढ़ जाती है, तो काफ़ी ठंड हो रही है। और अब की बार दिल्ली में 3 से 4 बार ठंड पड़ चुकी है। और काम मैंने सारा कर लिया है, क्लीनिंग वगैरह का सब हो गया है, नहाना धोना। तो बस अभी मैं बनाऊंगी खाना। और बारिश के मौसम में चाय पकोड़े नहीं खाए तो क्या खाए, तो बस मैं वही बना रही हूँ अभी, पकोड़े बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो और वीडियो भी बने रहिएगा प्लीज़। मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर देना, मुझे कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाले नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो और अब की बार मैं आलू काफ़ी बड़े बड़े लेके आई थी। अब की बार बाजार लगा था हमारे यहाँ पे, बाजार लगना अलाउड हो गया एक, तो वही लगा था, तो वहीं से मैं सब्जी लेके आई थी। तो ये देखिए कितने बड़े बड़े आलू हैं, और मैं इनको बड़े बड़े स्लाइस में काट लूँगी। और मैं जैसे भजिया बनाते हैं दुकान पे मिलती है, वही मैं बनाऊंगी सूखे, इसमें बेसन ऐड करके। तो चलिए बनाते हैं पकोड़े। और ये मैं लाई हूँ ऊपर से पुदीना तोड़ के, तो मैं पुदीने की चटनी भी बनाऊँगी साथ के साथ पकौड़ों के साथ। और चाय भी बनाऊँगी, चाय ज़्यादा हो जाती है फिर, तो चटनी के साथ पकौड़े ज़्यादा अच्छे लगते हैं। चाय तो मैं बना चुकी हूँ वैसे 2 बार सुबह से अभी तक, तो अभी मैं चटनी बनाऊँगी और उसके बाद फिर मैं पकौड़े बनाऊँगी। चटनी के साथ पकौड़े खाने का एक अलग ही मज़ा है अपना। तो अभी मैंने चटनी बना ली है, ये मैंने टमाटर लहसुन और पुदीने की चटनी बनाई है और हरी मिर्च डाली है इसमें। तो ये देखिए चटनी बनके हमारी तैयार हो गई है बस 5 मिनट में ही। और आलू काट के मैंने वॉश कर लिए थे, उसमें एक दो प्याज भी काट रही हूँ मैं, तो प्याज के और आलू के पकौड़े हो जाएंगे। और मैंने इनको कर लिया है बड़े भिगोने में, क्योंकि छोटे में इनमें सही से बेसन नहीं मिक्स होता। और ये है बेसन घर का बना हुआ, तो मैं इसको छान लूँगी। और इसमें हैं थोड़े से दाने हैं चने की दाल के, जो रह जाते हैं अगर नहीं छानते हैं तो। ये देखना कितने इसमें चने की दाल निकली है, ये घर का पिसा हुआ बेसन है, मम्मी ने भिजवाया था गांव से। तो बस मैं ये सारा इसमें ऐड कर लूँगी और उसके बाद मैं इसमें सारे सूखे मसाले ऐड कर लूँगी। और पकौड़े बनने की तैयारी अभी शुरू हो गई है, बस जो पकौड़े बनने से पहले का काम है ये वही है, काफ़ी टाइम लगता है और मेहनत भी लगती है। देखिए सारे मैंने इसमें सूखे मसाले ऐड कर लिए हैं, अभी मैं इनको पहले एक बार हाथ से मिला लूँगी सारे मसालों को। और फिर मैं इसमें करूँगी थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करूँगी मैं इसमें, ताकि ज़्यादा पतला ना हो, क्योंकि मुझे ये ज़्यादा पतला बैटर नहीं चाहिए, कुछ ऐसे चाहिए सूखा सूखा सा। और इसमें पानी ना हो तो ये बहुत ही करारे बनते हैं और बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो मैं ऐसे ही बनाती हूँ ज़्यादातर। और ये देखिए कढ़ाई मेरी गर्म हो चुकी है, तेल चढ़ा दिया था मैंने पहले ही, और अभी मैं इसमें थोड़े थोड़े करके ये छोड़ दूँगी और पकौड़े हमारे तैयार हो जाएंगे।
और बारिश के मौसम में ऐसे ऐसे खाना खाने का मज़ा ही अलग है। घर में बैठे हुए सर्दी का मौसम और चाय पकोड़े हो तो बहुत ही अच्छा लगता है। और एक साइड से मेरे पकोड़े सीक चुके हैं, अभी मैंने उनको पलट दिया है और बस अभी मैं थोड़ा सा इनको दूसरी साइड से फिर से कर इनको फिर मैं निकाल लूँगी। और ये देखिए चटनी हमारी कुछ ऐसे बनके तैयार हुई है। इसको मैंने तड़का नहीं दिया है, ऐसे ही सिंपल ही रखूँगी मैं और ऐसे भी काफ़ी अच्छी लगेगी, ये देखना। और अभी ये देखिए मैं इनके लिए प्लेट तैयार कर रही हूँ बच्चों के लिए। तो मैंने एक कटोरी में चटनी डाल दी है और एक बार के पकौड़े सीख चुके हैं, तो पकौड़े तैयार हो गए हैं हमारे और थाली लग चुकी है। आ जाइए आप भी खा लीजिए। और बताना कि कैसे लगे पकौड़े मेरे और मेरे बनाने का तरीका कैसा लगा, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। और अभी मैं सबसे पहले बच्चों को दे दूँगी, बच्चे खाते मैं गर्म गर्म बनाती रहूँगी और बच्चे खाते रहेंगे। तो निधि भी आ गई है, वंशिका थी यहीं पे, निधि नीचे थी, नीचे से बुलाया है अभी। और अभी मैं नीचे भिजवा दूँगी बना के बच्चों के लिए। खाना पीना हमारा हो गया था, फिर मैं जा रही हूँ ऊपर देखने के लिए क्योंकि कपड़े पड़े हैं काफ़ी सारे और कुछ दो दिनों के कपड़े हैं अभी सूखे नहीं हैं। तो बारिश अभी वैसे तो बंद हो गई है लेकिन मैं देख रही थी कि फिर से आएगी या नहीं। और ये देखो खेत में सारे में पानी पानी हो गया है, तो मैं हवा चल रही है थोड़ी बहुत, यहाँ पे कपड़े डाल दूँगी छत पे तो थोड़ी सी हवा निकल जाएगी, दो दिनों के कपड़े हैं। तो बस इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करूँगी, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो बाय बाय, टेक केयर, खुश रहना, मस्त रहना, बाय बाय।